अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रहमा और हमारी आज की कहानी का नाम है लड़ाई झगड़ा। एक घर में दो भाई रहते थे, नासिर और खालिद, और दोनों आपस में बहुत झगड़ा करते थे। दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन दोनों अपने अब्बू के साथ स्कूल बैग लेने बाजार गए। खालिद को जो स्कूल बैग पसंद आया, वही बैग नासिर को पसंद आया, और उस तरह का बैग दुकान में सिर्फ एक ही था। दोनों ने स्कूल बैग के पीछे लड़ाई शुरू कर दी, और दोनों की लड़ाई से तंग आकर अब्बू ने इनको अलग अलग तरह के दो बैग दिलाए। फिर दोनों कपड़े लेने गए। कपड़े लेते वक्त भी इनका वही हमेशा का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। खालिद ने कहा, नहीं मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे हैं। और नासिर ने, नहीं नहीं मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, मेरे कपड़ों का डिजाइन ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते हुए दोनों घर पहुँचे। दूसरे दिन दोनों ने नए नए कपड़े पहने। खाना खाते वक्त मेज पर खीर लाकर रखी गई। खीर पहले खाने के चक्कर में दोनों ने खीर के पीछे लड़ाई करना शुरू कर दी। खीर की प्लेट उठाकर दोनों ने खींचतानी शुरू कर दी, और ऐसे खीर की प्लेट टूटकर नीचे गिर गई, और दोनों के कपड़े भी खीर से गंदे हो गए, और खीर कोई भी ना खा सका। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खालिद और नासिर के लड़ाई करने की वजह से दोनों को उनकी पसंद का बैग भी ना मिला, और बाजार से लाए हुए नए कपड़े भी गंदे हो गए, और खीर भी नीचे गिरकर जाया हो गई, जो कि अल्लाह ताला को बिल्कुल नहीं पसंद। लड़ाई करने से दोनों का ही नुकसान हुआ। नई सुबह की कहानी घर में अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।